हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे फॉर लूप के बारे में। यहाँ पर हम एक एग्जांपल प्रोग्राम द्वारा इसको समझेंगे और जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा फॉर लूप के लिए, वो सी और सी प्लस प्लस आप दोनों में यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो दूंगा आपको प्रैक्टिकली वो सी का दूंगा, लेकिन आप इसको सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर लूप के बारे में और डिटेल में सीखते हैं। तो जैसा आप यहां पर सिंटैक्स देख रहे हैं फॉर लूप का, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पिछली बार जब हमने फॉर लूप पढ़ा था तो वहां पर मैंने जो सिंटैक्स है यहां पर लिखा हुआ था इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, यहां पर हमने अपडेशन लिखा हुआ है आज, क्योंकि जो ये सिंटैक्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन पार्ट में जो वेरिएबल हम यूज करेंगे या फिर काउंटर जो यूज करेंगे, वहाँ अपडेशन के लिए हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं उसको, या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का एक्सप्रेशन वहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको अपडेट करने के लिए। तो इसलिए हमने वहाँ पर लिखा हुआ है अपडेशन। बाकी जो सिंटैक्स है वो पिछली बार की तरह यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर कुछ जरूरी पॉइंट देख लेते हैं फॉर लूप के बारे में और डिटेल में। यहाँ पर ये जो तीनों पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये तीनों यहाँ पर हटाए जा सकते हैं। आप चाहे तो इसे यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सेमी कोलन का यूज करना होगा। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेरिएबल यहाँ पर है, इस तरीके से हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट ए, और फॉर लूप कुछ इस तरीके से अगर हमने लिखा हुआ है फॉर ए इज इक्वल वन, ए इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, ए प्लस प्लस, तो यहां पर इसके अंदर हम ए की वैल्यू अगर डिस्प्ले करा रहे हैं फॉर लूप के अंदर, सी आउट ए, तो यहां पर आप चाहे तो यहां हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है इसको हम हटा सकते हैं। अगर हम वेरिएबल को यहां पर इस तरीके से इनिशियलाइज करें ए इज इक्वल वन, और यहां पर इसकी जरूरत अगर ना हो तो हम इसको केवल इस तरीके से लिख सकते हैं, सेमीकोलन का यूज हमको करना होगा इस तरीके से। अब इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो आउटपुट बिल्कुल सेम ही होगा, यानी वन से लेके फाइव तक यहां पर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ पर ये जो लास्ट अपडेशन पार्ट है इसको भी हटा सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं बॉडी में। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस प्लस, तो यहाँ भी इसको आप ब्लैंक कर सकते हैं, लेकिन आपको सेमीकोलन तो यूज करना होगा। इसी तरीके से कंडीशन पार्ट को हम देखते हैं। कंडीशन पार्ट में हम यहाँ पर इसको ब्लैंक कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्लैंक करने के बाद क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, लगातार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसी तरीके से कंडीशन पार्ट में मान लीजिए किस तरीके से कंडीशन लिखा हुआ है ए इज इक्वल वन ए प्लस प्लस, तो यहां पर कंडीशन पार्ट में हम जीरो या फिर नॉन जीरो वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉर लूप पे, अगर हम यहां पे लिखते हैं जीरो तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन में हमने यहां पर कंडीशन जो पार्ट है वहां पर हमने जीरो लिख दिया, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप इसको टर्मो में रन करा के देखेंगे तो आपको आउटपुट में यहां पर वन मिलेगा, मतलब एक बार ये स्टेटमेंट यहां पर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप इसको अगर कोड ब्लॉक में यूज कराते हैं जहां हम जीएनयू जीसीसी कंपाइलर यूज करते हैं तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नॉन जीरो वैल्यू अगर यूज करते हैं यहां पर, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं वन, तो ये लूप फिर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा और लगातार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल से कंप्यूटर पर रन कराकर देखते हैं। यहाँ मैं सिंपल फॉर लूप का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई, और उसके बाद ये फॉर लूप जीरो से लेकर फाइव तक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर मैं लूप के अंदर आई की वैल्यू डिस्प्ले करा रहा हूँ। उसके बाद गेट सी एच
रिटर्न जीरो और मेन फंक्शन क्लोज उसके और मेन फंक्शन क्लोज। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम को फॉर डॉट सी नाम से। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं और उसके बाद रन करके इसको देखते हैं। यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं आई की वैल्यू जीरो से ले रही है। इस प्रोग्राम में यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को हटाता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में लिखा हुआ है और आई को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to 5 तक डिस्प्ले हो रही है। इस बार यहाँ पर मैं अपडेशन पार्ट में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है उसको यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और इसको मैं बॉडी में लिखता हूँ i++। अब प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं पिछली बार की तरह इसका आउटपुट है 1 to 5। अब कंडीशन पार्ट में मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। जैसा कि आउटपुट में देख पा रहे हैं ये लूप लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक इनफाइनाइट लूप है। अब इस प्रोग्राम में कंडीशन पार्ट की जगह पर मैं 1 लिख रहा हूँ जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। अब प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं और आप यहाँ पर आउटपुट में देख पा रहे हैं कि एक इनफाइनाइट लूप है। इस बार कंडीशन पार्ट में मैं लिख रहा हूँ 0 और एक बार फिर प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। टर्बो में यहाँ पर इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एक बार रन हो रहा है और यहाँ आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार कोड ब्लॉक में रन कराकर देखते हैं। कोड ब्लॉक में हम यहाँ पर GNU GCC कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो टर्बो में फाइल सेव की थी उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और चूंकि यहाँ पर conio.h की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं हेडर फाइल हटा देता हूँ और उसके बाद क्लियर स्क्रीन और गेट सेट भी यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लूप लिख लेता हूँ और एक बार प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराकर देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट में आप देख पा रहे हैं आई की वैल्यू 1 to 5 तक डिस्प्ले हो रही है। अब जैसा कि हमने टर्बो में लिखा था यहाँ पर कंडीशन पार्ट में मैं लिख रहा हूँ 1 और प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं और जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर लूप लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है। अब कंडीशन पार्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0 और फिर से प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं और जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट्स यहाँ पर रन नहीं हुआ है और उसका कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल से देखा अगर हमारे पास फॉर लूप में एक स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हैं। मतलब अगर फॉर लूप में एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट है तो ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, आप इसको यहाँ पर हटा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सीधे सीधे सी आउट ए। जब आप लूप को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूं कुछ सी आउट और यहां पर ये मैसेज डिस्प्ले कराते हैं एंड ऑफ लूप, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये फॉर लूप के लिए एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहां पर ए की वैल्यू 1 to 5 तक स्क्रीन पर आएगी और इस लूप के एंड होने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर रन होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो जो इसके जस्ट बाद स्टेटमेंट लिखा गया है वो फॉर लूप के लिए एग्जीक्यूट होगा। इसको हम कंप्यूटर पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। अगर फॉर लूप के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस हम यूज कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, आप इसको हटा सकते हैं। प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कराकर देखते हैं और यहाँ पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ तो ये फॉर लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मीन्स यहाँ पर फॉर लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप के लिए और उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप के एंड होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ। प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फॉर लूप के जस्ट बाद लिखा गया स्टेटमेंट फॉर लूप के लिए एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा था वो फॉर लूप के एंड होने के बाद एग्जीक्यूट हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो हमने तीन पार्ट देखे थे फॉर लूप में, यहाँ पर हमने जो तीन पार्ट देखे हुए थे फॉर लूप में, आप वहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है ए कॉमा बी, तो फिर फॉर लूप फॉर इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है वहाँ पर आप दो स्टेटमेंट यानी मोर देन वन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एज इक्वल वन, लेकिन इनके बीच आपको कॉमा लिखना होगा, फिर बी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर मैंने ए को वन से और बी को टू से इनिशियलाइज किया। इसी तरीके से मोर देन वन कंडीशन आप लिख सकते हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू फाइव कॉमा, इनके बीच फिर आपको कॉमा यूज करना होगा, बी इज लेस देन और इक्वल टू 20। और इसी तरीके से अपडेशन पार्ट में भी आप मोर देन वन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस प्लस कॉमा बी इज इक्वल बी प्लस टू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने मोर देन वन स्टेटमेंट यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब इसके अंदर ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले करा लेते हैं, सी आउट ए और इसी तरीके से सी आउट बी। तो यहाँ पर इस लूप में क्या इफेक्ट होगा इसका ये देखते हैं हम। यहाँ पर जब आप मोर देन वन कंडीशन या मोर देन वन स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उनके बीच में आपको ये कॉमा यूज करना होगा, और जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन उसी तरीके से यूज होगा जैसे हम पहले यूज करते आए हैं। अब यहाँ पर जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू हमने लिखा है 1, 2, 5, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू 1 to 10 स्क्रीन पर दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे बी को हमने लिखा है 2 to 20। तो यहाँ पर जब मोर देन वन कंडीशन हम यूज करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉमा से हम इसको अलग करेंगे, और यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन होगा यहाँ पर जैसे सेकेंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लूप एग्जीक्यूट होगा। तो आप इसको जब रन करा के देखेंगे तो ए की वैल्यू आपको, जबकि हमने 1 to 5 लिखा हुआ है, 1 से लेके यहाँ पर 10 तक मिलेगी, यानी 1 to 10। इसी तरीके से बी की वैल्यू जैसा हमने लिखा हुआ है 2 to 20 यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कंडीशन की जगह बदल देते हैं, यानी इसको फर्स्ट में लाते हैं इसको सेकेंड पे, तो फिर सेकेंड पे अगर 5 होगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5 तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ हम कंडीशन पार्ट में कॉमा की जगह रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा प्रोग्राम पर, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से यूज करें, ए इज लेस देन आर इक्वल टू 5 और बी इज लेस देन आर इक्वल टू 20, तो यहां पर अगर हम और यूज करते हैं तो और के कारण दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो प्रोग्राम यहां पर यानी कि फॉर लूप यहां पर रन होगा। तो यहां पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यहां पर पूरी पूरी ए की वैल्यू 1 to 10 आएगी और बी की वैल्यू 2 to 20, जैसा कि अभी पिछले प्रोग्राम में था। अगर हम यहाँ एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि और में दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं एंड में, अगर हम यहाँ पर एंड लिखते हैं तो यहाँ पर दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ए को लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 5, इसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लूप एग्जीक्यूट होगा एंड लगाने पर वो होगा ए की वैल्यू यहाँ पर आएगा 1 to 5 और बी की वैल्यू यहाँ पर होगा 2 to 10, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से कंडीशन पार्ट में आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं जिसका इफेक्ट प्रोग्राम पर कुछ ऐसा होगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल द्वारा हम कंप्यूटर पर रन कराकर समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल और बनाते हैं यहाँ पर के, इनिशियलाइजेशन पार्ट में के इज इक्वल टू, कंडीशन पार्ट में के इज लेस देन और इक्वल टू 20, अपडेशन पार्ट में के इज इक्वल के प्लस 2 यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट के की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। अब प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं, जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आई और के दोनों की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है,
लेकिन i की वैल्यू पर अगर आप ध्यान देंगे कि i की वैल्यू यहाँ पर 10 तक डिस्प्ले हो रही है, जबकि कंडीशन में हमने इसको 5 तक डिस्प्ले होने के लिए लिखा हुआ था। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर दो कंडीशन यूज़ किया है, तो सेकेंड या फिर जो लास्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर i की वैल्यू 10 तक डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड या फिर और का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं और का यूज़ कर रहा हूँ। प्रोग्राम को रन कराकर देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट पिछली बार की तरह ही है, क्योंकि और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होने पर लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 तक ही लूप एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर कंडीशन पार्ट में लिखे गए कंडीशन के सीक्वेंस को बदल कर देखते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड कंडीशन है उसको मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ, और जो फर्स्ट है उसको मैं सेकेंड में लिख रहा हूँ। अब प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस बार लूप 5 तक एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि यहाँ पर सेकेंड कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट हुआ है। अब इस प्रोग्राम में अपडेशन पार्ट में मैंने जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनका सीक्वेंस यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसा कि आउटपुट पे देख पा रहे हैं, आउटपुट पिछली बार की तरह ही है। इससे आउटपुट में ये दिखाई दे रहा है कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशन यूज़ किया हुआ है, तो लास्ट में जो हमने कंडीशन यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब प्रोग्राम को मैं पिछली बार की तरह ही लिख देता हूँ। अब जो i की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। i की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5। i 5 से 1 तक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ i माइनस माइनस, और यहाँ पर ये सिंबल भी चेंज होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, i की वैल्यू 5 to 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब इस प्रोग्राम में फर्स्ट जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, और प्रोग्राम को फिर रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, जो हमने एक कंडीशन यहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम में जो सेकेंड कंडीशन हमने लिखा हुआ है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और प्रोग्राम को फिर से रन करा कर देखते हैं। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, लिखे गए कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। इस प्रोग्राम में कंडीशन पार्ट में सेकेंड कंडीशन की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0, और प्रोग्राम को रन कराने पर आप आउटपुट देख पा रहे हैं कि इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुए हैं। अगर हम इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक में रन कराकर देखेंगे, तो यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट का आउटपुट हमको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन की जगह पर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1। जैसा कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट लूप है, यहाँ पर फॉर लूप लगातार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में डिटेल में सीखा। इसी तरीके से आगे भी हम C, C++, जावा से रिलेटेड और भी टॉपिक सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक चैनल जो हमने अभी बनाया हुआ है आसान टेक, कुछ समय बाद हम उसमें अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए। अदर वीडियोज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutforyou.com पर लॉग इन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।